Happy birthday to you, रशिया। रशिया बाबू सबसे पहले तैयार होके बैठ गया था एकादशी पे। बर्थडे बॉय है ना, अब सारे बच्चे देखो नहाने के लिए तैयार होते, लेकिन पहले करे नहीं, हम तो अपने सबसे छोटे भैया, यानी सबसे छोटा है मेरा रशिया, देखने में बड़ा है सबसे, लेकिन ये सबसे छोटा है। तो पहले कन्हैया ने इसको प्यार करा, अब ये मेरी मम्मी के जो माधव जी छोटे से बाबू आए, उन्हें ये पारी करके आए रसिया को। अब मेरा लड्डू जाएगा बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए रसिया को। सब बच्चे देखो सब आ गए, अब उठ गए हैं नहाने के लिए, सब तैयार हो रहे हैं कि भाई नहाने जाना है। पहले भैया तैयार होके बैठ गया सबसे छोटा रसिया बाबू। अब हम इसको बिच कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लड्डू बाबू तो पुच्ची पुच्ची कर देता है, राधे राधे। लड्डू मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये रहा तो सबसे बड़ा वाला, देखो सबसे छोटे को कर रहा है, और देखने में सब छोटे। और मेरा गोपरा, गोपू तो पारी भी कर रहा, लड्डू भी खिला रहा, दोनों काम कर रहा है। कुछ ज्यादा कुछ रसिया की। अब मेरी लाडली आ गई, लाडली बहुरानी छोटी सी, देखो प्यार कर रही है, ब्लेसिंग दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। सबसे छोटा हमारा रसिया 1 साल का हो गया। जीते रहो, खुशी रहो, हमारे साथ रहो, हम ऐसे ही खेलते रहे, इंजॉय करते रहे, और मैया हमें ऐसे सजाती रहे। तो चलो जी, अब मैंने सबको सबसे मिल लिया हूँ, अब आप मेरा श्रृंगार देखो, ठीक है जी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है निर्जला एकादशी को मेरा जो रसिया सबसे छोटा वाला लल्ला 1 साल का हो गया है, और आज मैं इनका कर रही हूँ श्रृंगार। जो ड्रेस पहना रहे हैं नई, तो मैंने अच्छे सा गीला टावल कर लिया है। मैं इनको रोज स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि रो रो कराने से कहीं भाई थोड़ा कलर वाला चला गया तो यहाँ तो होने वाला भी नहीं मेरे से। तो गीला कपड़ा लेके मैं वैसे रोज डेली सेवा गीले कपड़े से मुंह हाथ सर पोंछ देती हूँ, लेकिन स्नान में कभी कभी कराती हूँ। पजामी पहना दिया, बहुत सुंदर सी ये सेवा आई हुई थी पिछले साल ड्रेस की, तो नई थी एकदम, तो मैंने पहना दी। और ये रसिया सुंदर सा बच्चा मोर पंखी की ड्रेस पहन के, हल्दी कलर की ड्रेस पहन के, पीला ही पहनना होता है ना इसको तो हमेशा ही, तो पहन के अब तैयार हो जाएगा। छोना चचोना बाबू, छोना गप्पू है ये, गप्पू बाबू है ये, कितना चमक रहा है ना, कुछ नहीं लगाता फिर भी चमकता रहता है इतना छोना बच्चा। तो ये ड्रेस अब मैं पीछे से कर दूंगी टिकटॉक, क्या कहते हैं इसको, टिच बटन बोलते हैं, टिकटॉक भी बोलते हैं, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। तो वो बस लगा दिए हैं हमने रशिया बेटे को। तो अभी वो पीछे फूल बंगला दिख रहा होगा, जिसको रशिया बड़े अच्छे से देख रहा है, और ये अभी लगा रहेगा गर्मी गर्मी सावन तक, ठीक है। तो अब ये जो ये भी सेवा, इसकी मैंने वीडियो डाली दी थी, ये गुप्त उपहार आया था पूरे बिहारी जी परिवार के लिए, गुप्त सेवा आई थी, तो मैंने सोचा इसी एकादशी पे पहना दूँ ताकि वो देखें तो और खुश हो जाए। अगर वो देखें तो ज़रूर से कमेंट करना, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी, पर गुप्त सेवा है, आप अपना चाहे आप किसी और तरह समय करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने किया है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए जी, तो अब पहन लिए सुंदर सा हार, अब ये कड़ूले पहनाऊं दूंगे पैरों में। एक्चुअल में कड़ूले क्या है ये भी आज आपको एक टिप्स बताती हूँ, अगर आपके पास ऐसे रस्सियाँ हैं तो। जो हम औरतों के लड़कियों के जो कड़े मिलते हैं ना इस तरह से खोलने वाले, तो वो पहना दो, उन्हें मोटे मोटे ले लो, कड़ूले टाइप हो जाते हैं। नहीं तो आप अगर चांदी के भी लाना चाहें सुनार से, तो वो भी मिल जाते हैं बच्चे वाले, वो भी पहना सकते हो। अब मैचिंग इयररिंग चिपका रही हूँ मैं इसके साथ, जो इन्होंने इयररिंग भी बना के भेजे थे, तो इयररिंग भी पहन लिए लच्चे बाबू ने, है ना। यही तो ऐसे भी सुंदर लगता है, पर भाई ऐसे तो नोना नोना छोटा सा बच्चा बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन हमको तो 1 साल का बड़ा हो गया ना हमारा लल्ला, तो इसलिए या तो पगड़ी बांध देंगे या फिर बाल लगाएंगे। अरे भाई मैया बाल लगा दो, बाल जो गुप्त सेवा आई थी वो लगाओ मुझको। हाँ, लगा रहे हैं अब तो लल्ला, अपनी पसंद की हर चीज पहनने लग गया है मेरा लल्ला। ये देखो ये इस तरह के बाल है, और थोड़े सिंथेटिक थे फूल, मैंने जो उड़ाए थे लाइव में बहुत इंजॉय करा था, तो अभी तक भी फंसे हुए हैं फूल, नहीं निकल रहे इसमें, मतलब बहुत थोड़ा हार्ड ही होते हैं, करली करली बाल नीचे के। बट ये चलो पहन लिया रशिया का लुक, इतना सुंदर आ गया, इतने लंबे लंबे बाल थे से भोले बाबा के होते अब तिलक लगा दिया, पर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे रज्जू, क्योंकि कोई भी अभी बाल इनको अभी तक आए नहीं फिट, ये थोड़े आए हैं थोड़ा ढीले ढीले से थे, क्योंकि बाल ही ऐसे बनते हैं ये, पर
ठीक बहुत सुंदर लग रहे थे, पर लंबे ज्यादा तो अटक रहे थे। और देखो छोना बच्चा कितना बुजुर्ग होते, अभी छोरी छोरी सी लगती है। एक एक जो इयररिंग थे छोटे वाले, वो मैंने इनके अंगूठों पे चिपका दिए थे कि अच्छा सा लुक आएगा। कुछ बर्थडे बॉय का इन्होंने माखन का केक खाया था, जो मैंने लाइव में आपको दिखा दिया था, माखन के लड्डू जो मैं बनाती हूँ वो खिला दिए थे। और अपने रसिया के लिए बनाई थी मैंने रबड़ी बनाई थी, क्योंकि हम व्रत में रबड़ी खा सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्रत में निर्जला नहीं रखती हूँ, फलाहार करके रखती हूँ। तो दूध से ही बनाई थी रबड़ी, तो रबड़ी का भी भोग इनको खिलाया था, और ढेर सारी बनाई थी जो बाद में हम खाते रहेंगे प्रसाद को। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक, मैं कैसे लग रहा हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करना, जो सबसे पहले कमेंट करेगा ना उसको मैं पिन कर दूंगा। चलो आज मैं पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले मैया देखेगी किसके सेकंड कितने मिनट ऊपर नीचे है, उसी का पिन हो जाएगा। तो अब मेरी रबड़ी देखो, मतलब मेरी मम्मी ने, मेरी मैया ने रबड़ी बनाई थी, इतनी मेहनत करके, बहुत टाइम लगा था, तो हमने बनाई रबड़ी। अगर आपको रबड़ी की रेसिपी बहुत इजी वाली देखनी है वो भी बताना, ऐसी देखनी है वो भी बताना, मेरी मैया तो सब बता देती है जो भी कोई पूछता है। तो अभी मैंने ये बनाई थी, थोड़ी सी अभी लिक्विड वाइट टाइप में बनाई थी, जो फ्रिज में अभी रखेंगे तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर मैंने मैया ने तो वो भी खिलाई थी, और माखन तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैया ने आपकी बार कोई केक नहीं मंगवाया, माखन खिलाया था मुझको और खरबूजा। और बताना मैं आपको कैसा लग रहा हूँ। अब हम सब तैयार हो गए हैं सारे, देखो अपने रचिया के बर्थडे के लिए, निर्जला एकादशी के लिए। अब हमारा श्रृंगार भी बताना मैया ने कैसा करा है। बाकी मैया कल श्रृंगार की छोटी सी एक वीडियो भी डाल देगी, जो आपको बहुत बहुत इतने क्लोजअप करके दिखाएगी मैया, कि आपको मजा आ जाएगा कि वाओ बिहारी जी पर इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं बच्चे प्यारे प्यारे। देखो माधव बाबू को, छोटी सी किशोरी को, हमारे रचिया को, है ना। आप एक रील बनाई थी वो भी आप सुन लो, देखो क्या कह रहे हैं लल्ला।